देखा जाता है ना घर में भी हमारे यहाँ पे जैसे कि लड़के को अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी जाती है और लड़कियों को अलग. जैसे मैं अपने घर पे बात करूँ तो मेरे घर पे मेरे भाई को अलग उसको हॉस्टल में भेज दिया कि वो पढ़ सकता है आगे. और मुझे गांव में 8th क्लास के बाद स्कूल नहीं है तो मुझे गांव में बोला गया कि तुमको यहीं पढ़ना है अब और आगे स्कूल नहीं है तो अब तुम स्टॉप कर दो स्कूल और यहीं पर रहो. सो हमेशा ये भेदभाव जो आ रहा था वो मुझे हमेशा ये लगता था कि ऐसा क्यों होता है गर्ल्स के साथ. लड़की हूँ लेकिन मैं भी पढ़ना चाहती हूँ ना. सो फिर मैंने धीरे से कराटे सीखा और कराटे मतलब फिर वो मेरा एक जुनून बन गया कि नहीं मुझे ये सीखना ही है और अब मुझे इसी में अपनी पहचान बनानी है. सो नेशनल खेला फिर इंटरनेशनल खेला गोल्ड मेडल जीता. फिर उसके बाद एशियन गेम्स में एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. फिर इसके बाद मेरा काफ़ी वहाँ पे चर्चा में आ गया. सो उससे क्या होता है कि मैं जब लड़के जो गांव में हमेशा लड़कियाँ आगे नहीं आ पा रही थी या जो पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुन रहे थे अब वो सबको एक लगता है कि नहीं खेल से भी कुछ होता है और ये खेल से इतना आगे बढ़ी है तो हमारी बेटी को भी इसके जैसे बनना चाहिए. सो अब पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि हमारी बेटी को भी आप जैसा बना दो और जैसा आप बाहर निकलते हो हमारी बेटी भी हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी नाम रोशन करे गांव का. मैं बालिकाओं के साथ काम करती हूँ. जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं जो नॉन गोइंग और गोइंग स्कूल वाली जो बच्चियाँ उनके साथ हम काम करते हैं उनको एजुकेशन से जोड़ते हैं. तो उन बच्चियों के साथ अब तक हम लाइफ स्किल का पार्ट भी हम करते हैं एजुकेशन के साथ साथ. लेकिन लाइफ स्किल में सर सिर्फ ये समझा देते थे कि जीवन जीने का बेहतर तरीका होना चाहिए, चाल ढाल रंग ढंग बोल चाल और ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. लेकिन लाइफ स्किल में आत्म सुरक्षा का भी कोई इशू हो सकता है जो सेल्फ डिफेंस का भी जो बच्चियों को हम सिखा सकते हैं. और वो मैं हर एक बच्चे के साथ लाइफ स्किल के पार्ट में उसको जोड़ूंगी और हर एक बच्ची को मैं वो सेल्फ डिफेंस का भी सिखाने का प्रयास करूँगी. हम महिलाओं को व्यवसायिक बनाने का मेरा काम है. मेरा खुद का भी चार व्यवसाय है और मेरे साथ मेरे अन्य महिलाओं को भी मैं व्यवसाय देने का काम करती हूँ. क्योंकि मेरे गांव में हमारे राज्य में बारिश नहीं है और सबके लिए पैसा चाहिए. पैसे गांव की महिलाओं के पास कुछ काम नहीं है, सब खाली है. इसीलिए हम उनकी समस्या है, वो बेटे लड़कियों को पढ़ा नहीं पा रही है, उसके घर का जो खर्चा है वो भी नहीं उठा रहे. हमारे यहाँ की शेतकरी आत्महत्या ज़्यादा होती है. इसलिए हम महिलाओं को काम एक व्यवसायिक बनाने का जो प्रोसेसिंग गांव से खेत में जो उगाते हैं हम मेरा जो सोयाबीन का प्रोसेसिंग है वैसा भी उनको हम प्रोसेसिंग में ला रहे हैं कच्चा माल पका करके बेचने के लिए. वो सब महिलाओं को मैं ट्रेनिंग देती हूँ और वो महिला अब इस क्या है कि अब बारिश नहीं इसमें भी हमारे यहाँ कोई नहीं. तो मैं जिस महिलाओं से जुड़े हूँ अभी वो 10-12 हज़ार कमा रही है महीने में और हमारे यहाँ की जो शेतकरी आत्महत्या करते हैं वो भी कम हो गया है. हमने हमारे महिलाओं के बिजनेस जो शुरू किए वो खेती से रिलेटेड है जो कि मुर्गी पालन सेली पालन महेस पालन गाय पालन जो कि हम ऑर्गेनिक भी खेती बनाते हैं तो उसका खेती से रिलेटेड है जो इजी करते हैं वो बिजनेस. और फिर वो अभी प्लास्टिक बंदी हुई है तो इसका भी हम ये संधि है कि हमको इसका भी कोई बिजनेस कर देता है. वो हमने गाँव के महिलाओं को वो प्लेट कागदी प्लेट या बैग इसका भी हमने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है.